भारत समेत दुनिया में आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी कर्नाटक के मैसूरू पैलेस ग्राउंड में योग दिवस मनाने पहुंचे थे। उन्होंने करीब 15,000 लोगों के साथ योग किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने योग की शुरुआत में तड़ासन, भद्रासन जैसे आसनों से की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि योग अब वैश्विक पर्व बन चुका है, यह पार्ट ऑफ लाइफ नहीं वे ऑफ लाइफ बन गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज योग मानव मात्र को निरोगी जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले आध्यात्मिक केंद्रों पर दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने में दिख रही है। ये साझी मानवता की तस्वीरें हैं। यह एक वैश्विक पर्व बन चुका है। यह किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं योग को दुनिया में पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशन का धन्यवाद देता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों, महर्षियों और आचार्यों ने कहा है, योग हमारे लिए शांति लाता है, या हमारे देश और विश्व के लिए शांति लाता है। यह पूरा विश्व हमारे शरीर में है, यह हर चीज को सजीव बनाता है। योग हमें सजग स्पर्धी बनाता है, यह लोगों और देशों को जोड़ता है, यह हम सभी के लिए एक समस्या का समाधान बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।